Hey guys, welcome to my channel. I'm your friend, your teacher, Nisha Sharma. कैसे हैं आप सब लोग? I hope you guys are good. So guys, आज की जो अपनी क्लास है वो CDP की स्पेशल क्लास है. ये एक बहुत स्पेशल टॉपिक है जो हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कन्फर्म आता है और इसके बहुत सारे कमेंट थे. सो आज मैं इस टॉपिक को आपको करवा रही हूँ. द टॉपिक इज समावेशी शिक्षा, डेट इज कॉल्ड इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंग्लिश. तो समावेशी शिक्षा कहो या इंक्लूसिव एजुकेशन कहो, एक ही बात है. कोई भी ऐसा टीचिंग का एग्जाम नहीं है जहां पर ये क्वेश्चन नहीं आता हो. जो बच्चे मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं, मैं बता दूं, माई चैनल डेडिकेटेड फॉर टीचिंग्स एग्जाम. ठीक है, सो हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले आपको समझना है कि व्हाट द मीन ऑफ समावेशी, ये क्या है और ये वर्ड कहाँ से आया, क्यों जरूरत पड़ी समावेशी शिक्षा की, क्या था कि समावेशी शिक्षा की आवश्यकता पड़ी, मतलब जरूरत क्या पड़ी भाई समावेशी शिक्षा भी होनी चाहिए. तो आपको पता है सबसे पहले जो एजुकेशन थी, सबसे पहले एक सिंपल सी एजुकेशन होती थी जिसके अंदर अलग अलग टाइप के बच्चे अलग अलग स्कूल्स में जाते थे. जो ब्लाइंड है अलग जाते थे, दिव्यांग है अलग जाते थे, नॉर्मल बच्चे अलग स्कूल्स में जाते थे. तो पहले कुछ ऐसा होता था, मीन्स अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग टाइप के स्कूल्स जो है पहले बने हुए थे. ठीक है, फिर होता क्या है, एक एजुकेशन आती है जिसको नाम दिया गया एकीकृत एजुकेशन. ध्यान से समझते जाना, आपके एग्जाम से आने वाले सभी क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे. एकीकृत शिक्षा, ठीक है, नाम आया उसका क्या, इंटीग्रेटेड एजुकेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड एजुकेशन, एकीकृत शिक्षा. अब माइंड में आता है कि एकीकृत शिक्षा क्या है, मीन्स ये इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या है. तो एकीकृत शिक्षा मतलब इंटीग्रेट, इंटीग्रेट का मतलब सबको एकत्रित करके, सबको इकट्ठी करके शिक्षा देना. अब सबको किसको, सबसे पहले माइंड में आता है सबको किसको, तो एक तो होते हैं भाई जनरल चाइल्ड, जिनको आप बोलते हो सामान्य बालक. ठीक है, जिनको आप क्या बोलते हो, सामान्य बालक. और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं स्पेसिफिक चाइल्ड, जिसको हम बोलते हैं स्पेशल चाइल्ड. अब माइंड में आता है ये स्पेशल चाइल्ड कौन होते हैं. अब देखो, कई बच्चों को लगता है स्पेशल चाइल्ड तो वही होते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि वो बड़े स्पेशल होते हैं. लेकिन मैं एक जनरल सा एग्जांपल देती हूँ. एक बच्चा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है क्लास में, तो मैं क्या कहूँगी, भाई ये बच्चा ना बड़ा इंटेलिजेंट है और हमेशा टीचर की नज़रों में ही रहेगा वो बच्चा. तो मीन्स वो बच्चा कैसा है, स्पेशल चाइल्ड है. लेकिन एक बच्चा महान अलायक है, मतलब नाक में दम ही कर रखा उसने मेरी, मतलब टीचर की नाक में दम ही कर रखा है. तो कहीं ना कहीं, ध्यान से सुनना, कहीं ना कहीं है तो वो बच्चा भी स्पेशल. जो इंटेलिजेंट है वो भी स्पेशल है, लेकिन जो महान लायक है वो भी स्पेशल है. ये दो कैटेगरी स्पेशल ही होती है, बीच में जो बच जाता है वो जनरल होता है, उनको कोई नहीं पूछता. कहने का मतलब आप मेरा समझ गए होंगे कि स्पेसिफिक चाइल्ड वो होते हैं जो अबो एवरेज और ब्लो एवरेज होते हैं. मतलब एवरेज जो 90 से 110 वाले IQ में आते हैं, 90 से 110 वाले में आते हैं. जो एवरेज चाइल्ड होते हैं, जो सामान्य बच्चे होते हैं, 90 से 110 वाले IQ में आते हैं. तो इस IQ से जो ऊपर होते हैं वो भी स्पेसिफिक होते हैं, इस IQ से नीचे होते हैं वो भी स्पेसिफिक होते हैं. तो सबसे पहले तो अपने माइंड में याद रखना, स्पेशल चाइल्ड कौन होते हैं, जो सामान्य बच्चों से ऊपर और सामान्य बच्चों से निम्न होते हैं, मतलब नॉर्मल नहीं होते, सीधी सी बात है. तो वो जो होते हैं वो कौन से होते हैं, स्पेशल चाइल्ड होते हैं, जिनके लिए कोई एक्सक्लूसिव एजुकेशन की नीड हमें पड़ती है. एक्सक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी तरीके से शिक्षा को विशेष रूप में देना, डेट इज एक्सक्लूसिव एजुकेशन. तो इस टाइप के जो बच्चे होते हैं गाइज, वो स्पेसिफिक चाइल्ड माने जाते हैं. तो होता क्या, स्पेसिफिक चाइल्ड बहुत सारे टाइप के होते हैं. स्पेसिफिक चाइल्ड वो भी हो सकते हैं जैसे कि प्रतिभाशाली होते हैं, मंदबुद्धि होते हैं, बैकवर्ड चाइल्ड होते हैं, ये भी स्पेसिफिक चाइल्ड होते हैं. स्पेसिफिक चाइल्ड वो भी होते हैं जो डिसेबल्ड होते हैं, जिनको आप अपंग नहीं बोल सकते. अब इनके लिए वर्ड है दिव्यांग. तो जो दिव्यांग होते हैं, जो ब्लाइंड होते हैं, जो डीफ होते हैं, मतलब हर इस टाइप का जो बच्चा होता है, जो ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं, ऑटिस्टिक चाइल्ड होते हैं, हर टाइप का जो बच्चा है वो स्पेशल चाइल्ड होगा. ठीक है, वो बच्चा कैसा होगा, बच्चे स्पेशल चाइल्ड होगा. ठीक है, अब बात आती है, पहले एक इंटीग्रेटेड एजुकेशन आई जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई. इसके अंदर क्या था, इंटीग्रेटेड एजुकेशन के अंदर जो आपके स्पेशल चाइल्ड थे और जो नॉर्मल चाइल्ड थे, इनको एक साथ पढ़ा दिया. ध्यान से मेरी बात को समझना कि इंक्लूसिव एजुकेशन की जरूरत क्यों पड़ी. अब इनको एक साथ स्कूल में पढ़ाने बिठा दिया, लेकिन क्या था, स्कूल में बेशक कहने में इंटीग्रेटेड थी, बट इंटीग्रेशन सिर्फ नाम का था. इंटीग्रेशन सिर्फ इतना था कि सारे बच्चे एक साथ मिलकर पढ़ रहे हैं, बस इतना ही इंटीग्रेशन था. लेकिन उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग उनको कभी भी सेटिस्फाइड नहीं किया जाता था. इवन जैसे कि एक बच्चा स्पोर्ट्स प्लेग्राउंड हो रहा है, एक बच्चा फुटबॉल खेलने गया, तो मान लो कोई बच्चा दिव्यांग है, तो टीचर कहता है यार बेटे प्लीज आप साइड में बैठ जाओ, आप नहीं खेल सकते. मतलब उस बच्चे की भावना को हर्ट किया गया एक तरह से, समझ रहे हो आप. तो ये थी इंटीग्रेटेड एजुकेशन. नाम का इंटीग्रेशन था, लेकिन वहां बच्चे की जरूरतों को बिल्कुल भी नहीं समझा जाता था, बच्चे को क्लास में नेग्लेक्ट किया जाता था,
मतलब साथ बैठे जरूर हैं लेकिन उन पे इतना अटेंशन नहीं दिया जाता था, तो इस टाइप की इंटीग्रेटेड एजुकेशन थी। धीरे धीरे क्या होता है, इस एजुकेशन को एक अच्छा रूप दे दिया गया जो क्या था, समावेशी शिक्षा। ये दो सेम नहीं है, माइंड में रखना ये दो अलग अलग हैं। समावेशी का मतलब समावेशन, इंक्लूसिव, इकट्ठा कर लिया हर प्रकार के बच्चे को। इसमें और इस एजुकेशन में क्या फर्क था गाइस समझना, इसमें बच्चे नाम के इकट्ठे थे, इसमें काम से इकट्ठे थे। कहने का मतलब यहाँ पर सिर्फ नाम के लिए इकट्ठे कर लिया गया था कि भाई बच्चे एक साथ स्कूल में पढ़ रहे हैं, बट उनकी नीड्स के हिसाब से उनको कोई अटेंशन नहीं दी जाती थी इंटीग्रेटेड एजुकेशन के अंदर। लेकिन समावेशी शिक्षा में बच्चों को नीड के हिसाब से एजुकेशन दी जाती थी। नीड के हिसाब से एजुकेशन देने का क्या मतलब है, मान लो ये एक एकीकृत क्लास है, ये वाली क्लास है समावेशी क्लास। डिफरेंस क्या होगा दोनों क्लासेस के अंदर, ये जो क्लास है इसमें सारे बच्चे बैठे हैं, डीफ ब्लाइंड वगैरह सब, बट इन पे अटेंशन नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इनको कह देते जा यहाँ क्लासरूम है, यहाँ अंधे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तू वहाँ चला जा, लाइक ऐसे ऐसे। बट ये है अपनी इंक्लूसिव कक्षा, इसके अंदर अपने सारे टाइप के बच्चे जो है बैठे हुए हैं। तो अपने ये जो सारे टाइप के बच्चे बैठे हैं, तो ये जो सारे टाइप के बच्चे बैठे हैं यहाँ पर क्या था खास, ये जो बच्चे हैं यहाँ पे, मान लो एक ब्लाइंड बच्चा बैठा है, तो यहाँ पे एक ब्लाइंड बच्चा बैठा है उसको इग्नोर किया जा रहा है इंटीग्रेटेड में, बट यहाँ एक ब्लाइंड बच्चा बैठा है तो यहाँ पे टीचर को कहेगी बेटा आप थोड़ा सा आगे आ जाओ, मतलब उसको उसकी ज़रूरतों के हिसाब से चीज़ें मुहैया करवाई जाती हैं, ज़रूरतों के हिसाब से फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। कहने का मतलब यहाँ पर जो बिल्डिंग है वो भी एक टीचिंग एड के रूप में काम कर देती है। ये क्वेश्चन भी आता है बहुत बार बाला, ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है बाला। बाला मीन्स क्या होता है, बाला मीन्स होता है बिल्डिंग एज लर्निंग एड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ध्यान रखना, बाला मीन्स क्या होता है, बिल्डिंग एज लर्निंग एड, मतलब जो बिल्डिंग है उसको एक लर्निंग एड की तरह शामिल कर दिया गया। कहने का मतलब जैसे एक ब्लाइंड बच्चा है तो उसको मतलब उसके लिए ऐसे पकड़ने के लिए कुछ बना देते हैं कि बच्चा उसको साथ साथ पकड़ के चले स्कूल में, मतलब ये है इंक्लूसिव एजुकेशन। इसमें किसी भी बच्चे को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आता, किसी बच्चे को ये फील नहीं करवाया जाता कि तुम औरों से अलग है। मान लें बच्चा प्लेग्राउंड में जाता तो टीचर ये नहीं कहेगा तू जा प्लेग्राउंड से बाहर, टीचर कहेगा नहीं बच्चे तुम भी उसके अकॉर्डिंग, सोर्सेज के अकॉर्डिंग उसको खिलाएगा, मतलब वो बच्चा कभी भी अपने आप को अलग नहीं समझेगा। तो बच्चों की अच्छाई के लिए बनाई गई है समावेशी शिक्षा। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे बिल्डिंग एड्स का मतलब, जैसे एक बच्चा ब्लाइंड है मैंने आपको समझा दिया, उसके लिए पकड़ पकड़ के चलने वाली बना दी, एक बच्चा दिव्यांग है वो व्हील चेयर पे आता है तो स्टेयर्स नहीं चढ़ सकता, तो आपको पता ना स्कूल्स में आजकल रैंप बने होते हैं, तो रैंप क्यों बना दिया, बिल्डिंग को भी हेल्पफुल वे में वो कर दिया, मतलब इंटीरियर कर दिया, डेकोरेट कर दिया, हेल्प कर दी बिल्डिंग ने भी। तो ये बाला वर्ड भी आप याद रखना, बिल्डिंग एज लर्निंग एड। तो आई होप आप इंक्लूसिव एजुकेशन को समझ गए होंगे। क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन है जिसमें हर टाइप के बच्चे को एक समान शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ते हुए पढ़ाया जाता है। हर टाइप का बच्चा, वो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से हो सकता है, वो बैकवर्ड हो सकता है, वो मंदबुद्धि हो सकता है, वो ऑटिस्टिक हो सकता है, वो दिव्यांग हो सकता है, बस उनकी ज़रूरतों के हिसाब से टीचर उनकी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग उनको डील करता है, उनको कभी इन्फीरियर नहीं फील करवाता, कभी अलग नहीं फील करवाता, जबकि इंटीग्रेशन एजुकेशन में उनको अलग भाव से देखा जाता था, अलग फील करवाया जाता था। तो आई थिंक डिफरेंस इज क्लियर टू यू, व्हाट इज इंक्लूसिव एंड व्हाट इज इंटीग्रेशन, या समावेशी शिक्षा होती क्या है। अब इसके अंदर कौन कौन से बच्चे हैं जिन पे हमें अटेंशन देनी है, एक आपको याद रखना इंक्लूसिव एजुकेशन में जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं 6 से 18 वर्ष, नॉर्मल जो बच्चे होते हैं वो 6 से 14 वर्ष वाले बच्चे होते हैं, लेकिन जो डिसेबल्ड होते हैं वो 6 से 18 वर्ष वाले बच्चे होते हैं जिनको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। अब इसमें जो बच्चे हैं बेसिकली, सबसे पहले तो हम स्पेशल बच्चों को पढ़ लेते हैं। स्पेशल चाइल्ड में आप 4 या 5 इन्हीं बच्चों को पढ़ लो, बहुत है। सबसे पहले है प्रतिभाशाली बालक, जिसको आप बोलोगे जीनियस चाइल्ड। अब ये जो जीनियस चाइल्ड होता है इसका आईक्यू होता है 140 या अबो। सबसे पहले तो आपको ये आईक्यू याद रखना है, जो जीनियस चाइल्ड होता है उसका आईक्यू होता है 140 या अबो, 140 या उससे ऊपर का जो आईक्यू होता है वो कुछ का होता है, जीनियस बच्चों का आईक्यू होता है 140 या उससे ऊपर होता है। फिर एक साइकोलॉजिस्ट है रेंजुली, रेंजुली ये याद रखना है, कॉन्सेप्ट सीटेट में पूछा गया था। रेंजुली ने इनकी 3 विशेषता बताई हैं, 1 इज डाइवर्जेंट थिंकिंग, मीन्स इन बच्चों के अंदर क्या होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है,
ये अबो एवरेज होते हैं, मीन्स ये अबो एवरेज होते हैं और इनमें एब्स्ट्रैक्ट जो है चीजें होती है। मीन्स रेंजुअली क्या कहता है, रेंजुअली कहता है कि ये जो बच्चे होते हैं अबो एवरेज, सबको पता भाई अबो एवरेज होते ही हैं। फिर इनके अंदर डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या, जब आप एक चीज को बहुत अलग अलग विभिन्न विभिन्न तरीकों से करते हो तो इट्स कॉल्ड डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो ये क्या कहलाती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग। लॉजिकल थिंकिंग होती है इनके अंदर। अब्स्ट्रैक्ट मतलब भावनाओं से रिलेटेड थिंकिंग होती है। भावनाओं का मतलब समझ रहे हो, इमोशंस, मतलब जो चीजें आपके सामने प्रेजेंट भी नहीं है, ये बच्चे इतने ग्रेट होते हैं कि उस पर भी थिंकिंग करने लग जाते हैं। तो ये जो चीजें होती हैं इनके अंदर प्रतिभाशाली, मीन्स प्रतिभाशाली बच्चे कौन होते हैं, जो क्रियोसिटी होती है, जिनके अंदर जिज्ञासा होती है, जिनके अंदर किसी भी माहौल में एडजस्ट करने की क्षमता होती है, जिनके अंदर लॉजिकल रीजनिंग पावर होती है, जिनके अंदर क्रिएटिव थिंकिंग होती है, जिसके अंदर अब्स्ट्रैक्ट पावर होती है। तो ये जो बच्चे होते हैं प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, एडजस्टेबल होते हैं किसी भी स्थिति में। अपॉर्चुनिटीज यदि मिलते हैं तो उनका बहुत ज्यादा ये लाभ उठा पाते हैं। और इनके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। इनके लिए जो प्रोग्राम किए जाते हैं वो कहलाते हैं अनरिचमेंट प्रोग्राम्स, ठीक है। वो क्या कहलाते हैं, अनरिचमेंट प्रोग्राम्स। अनरिचमेंट प्रोग्राम्स का मतलब क्या होता है, अनरिचमेंट प्रोग्राम्स मतलब रिच। अब ऐसे याद करें, रिच मतलब अमीर, और बच्चों में सबसे अमीर कौन हो गया भाई, प्रतिभाशाली। अनरिच प्रोग्राम को हिंदी में लिखा हुआ था संपुष्ट कार्यक्रम। ये सीटेट स्टेट में 2-3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अनरिचमेंट प्रोग्राम्स किन बच्चों के लिए लिए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जो अनरिचमेंट प्रोग्राम्स हैं वो प्रतिभाशाली बच्चों के लिए लिए जाते हैं, ठीक है। अनरिच प्रोग्राम किन बच्चों के लिए होते हैं भाई, प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स के लिए ये प्रोग्राम्स लिए जाते हैं। तो आपको प्रतिभाशाली का क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आ सकता है, आपको 3-4 स्टेटमेंट गिवन होगी और आपसे आइडेंटिफाई करवाया जाएगा कि भाई बच्चों को आइडेंटिफाई करो, इनमें से प्रतिभाशाली बच्चा कौन सा है, ये वाला बच्चा कौन सा है। तो 4 स्टेटमेंट गिवन होंगी, 3 तो प्रतिभाशाली की होंगी, 1 नहीं होगी। तो यू जस्ट आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट। फिर अगला जो अपना स्पेशल बच्चा होता है वो बच्चा होता है मंदबुद्धि बालक। मंदबुद्धि कैसा होता है भाई, मंदबुद्धि होता है जो स्लो लर्नर होता है, मतलब ये सीखता तो है किसी भी चीज को लेकिन धीरे धीरे सीखता है। सीखने की गति होती है लेकिन जब किसी भी चीज को आप धीरे धीरे सीखते हो तो मतलब वो स्लो लर्नर होता है, मंदबुद्धि जो है बच्चा होता है। इस टाइप के जो बच्चे होते हैं ना, जो मंदबुद्धि टाइप के बच्चे होते हैं, ये अपॉर्चुनिटीज का लाभ नहीं उठा पाते। एक बार स्टेट में यही क्वेश्चन पूछा था यूपी टेट में कि अवसरों का लाभ नहीं उठा पाते कौन से बच्चे, तो कौन से बच्चे गाइस, मंदबुद्धि बच्चे, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटीज का लाभ नहीं उठा पाते कौन से बच्चे, मंदबुद्धि जो बच्चे होते हैं वो अपॉर्चुनिटीज का बिल्कुल भी फायदा नहीं उठा पाते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो वो बच्चे कौन से होते हैं, मंदबुद्धि बच्चे होते हैं, जो अवसरों का लाभ नहीं उठा पाते। ये दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, खुद आगे नहीं बढ़ पाते, दूसरों से बहुत जलते रहते हैं। तो दिस काइंड ऑफ कॉल्ड मंदबुद्धि। इन पे ज्यादा समझने का फोकस नहीं करना, मेन पे चलते हैं हम। फिर होता है बैकवर्ड चाइल्ड, पिछड़ा बालक। अब बैकवर्ड चाइल्ड कौन होता है, मंदबुद्धि और बैकवर्ड में फर्क है। पहले कह देते थे मंदबुद्धि और बैकवर्ड एक ही है, लेकिन बैकवर्ड चाइल्ड अलग होता है। बैकवर्ड वो होता है जो अपने पीछे की कक्षा का काम भी नहीं कर पाते। मीन्स सपोज आप 7th क्लास में हो और आपको 5th क्लास का भी कुछ नहीं पता है, तो आप बैकवर्ड चाइल्ड में माने जाओगे, मंदबुद्धि नहीं माने जाओगे। मंदबुद्धि क्या, आपने 10 सवाल दिए, धीरे 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 2-3 करके ले आया, मंदबुद्धि है, लेकिन करके ही नहीं लाया, एक भी आता ही नहीं उसको कुछ भी अपने लेवल का, तो बैकवर्ड चाइल्ड है, ठीक है। जो बैकवर्ड चाइल्ड होते हैं वो मंदबुद्धि से लोअर कैटेगरी के जो है माने जाते हैं, जो बैकवर्ड चाइल्ड होते हैं। और बैकवर्ड चाइल्ड जन्म से भी हो सकता है और बैकवर्ड चाइल्ड बाद में भी हो सकता है। मंदबुद्धि बेसिकली बाय बर्थ होते हैं, ऐसा माना जाता है, मंदबुद्धि बेसिकली बाय बर्थ होते हैं, लेकिन जो बैकवर्ड होते हैं वो बाय बर्थ नहीं होते। मतलब बाय बर्थ हो भी सकते हैं, जैसे लेकिन जैसे कोई बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है वो छत से गिर जाता है, तो कोई भी बच्चा बैकवर्ड चाइल्ड हो सकता है। आपको ना ध्यान रखना है, यदि क्वेश्चन पूछा जाए क्या प्रतिभाशाली बच्चा बैकवर्ड बच्चा हो सकता है, यदि पूछे हो सकता है, तो भाई कोई भी कुछ भी हो सकता है। हो सकता है हमें यस करोगे, लेकिन होता है ऐसा नहीं होता, ठीक है। हो सकता है, आपको पता कुछ भी हो सकता है दुनिया में, पॉसिबिलिटी है तो यस में जाएगा। फिर इसके अलावा जो इनके अंदर जो मेन बच्चे आते हैं, इनके अंदर हम समस्यात्मक बालक को आप ले सकते हो, प्रॉब्लम वाला जो बच्चा होता है, जो समस्या वाला बच्चा होता है, प्रॉब्लम वाला बच्चा कैसा होता है, जिसके किसी भी काम करने के पीछे कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे चोरी कर रहा है, झूठ बोल रहा है, तो इस टाइप की जो ये खासकर इंक्लूसिव एजुकेशन में जरूरत नहीं है इनको, ये वाले जो होते हैं ना समस्यात्मक बालक, झूठ बोलने वाला बालक, मंदबुद्धि, ये इनको हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस वाले चैप्टर में पढ़ें तो ज़्यादा बेटर है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस मैंने पहले ही करवा रखा है यूट्यूब पे। यहाँ इंक्लूसिव में ज़्यादातर जो फोकस है किस पे है, अपना एक तो डिसेबल्ड बच्चों पे रहता है, क्योंकि इन्हीं बच्चों को तो शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ते हुए पढ़ाएंगे ना। डिसेबल्ड बच्चे हैं, डिसेबल्ड के साथ, डिसेबल्ड को दिव्यांग कह सकते हो आप, ठीक है ना।
और एक डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं, इन पे थोड़ा सा फोकस है। वो जो है ना मंद बुद्धि समस्यात्मक बालक, ये है ना, मैंने एक चैप्टर है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंक्लूसिव एजुकेशन में इनको इतना जरूरी नहीं है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस वाला एक चैप्टर है, उसको देख लेना प्लेलिस्ट में जाके, उसमें पूरा डिटेल से ये चैप्टर करवा रखा है मैंने, जिसमें सारे टाइप के बालक करवा रखे हैं, ठीक है। टाइटल है उसका इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताएं। अब देखो यहाँ पर इन बच्चों को हम थोड़ा सा सीरियस ले लेते हैं जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। अब डिसेबल्ड चाइल्ड कौन से होते हैं, डिसेबल्ड चाइल्ड भी कई टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं जो दृष्टि बाधित होते हैं, मतलब जो देख नहीं पाते, एक होते हैं जो श्रवण विकार से ग्रसित होते हैं, मतलब जो सुन नहीं पाते हैं। तो इस टाइप के जो बच्चे होते हैं वो डिसेबल्ड के अंदर होते हैं। एक होते हैं जो हैंडीकैप्ड होते हैं, जिनके हाथ पैर वगैरह नहीं होते, तो इस टाइप के बच्चे होते हैं डिसेबल्ड। तो इनको कैसे पढ़ाएंगे, तो इनको आप एजुकेशन की उसी स्ट्रीम में जोड़ेंगे, उसी मुख्य धारा में जोड़ेंगे, सिर्फ इनकी नीड्स के हिसाब से। जैसे आपको पता है गवर्नमेंट स्कूल्स में भी आपको सांप सीढ़ी है, आप खेल रहे हो, तो नॉर्मल बच्चों के लिए नॉर्मल सांप सीढ़ी होगी, और डिसेबल्ड जो ये दृष्टिबाधित बच्चे हैं इनके लिए सांप सीढ़ी ऐसी 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 होगी, जैसे ऐसे डॉट डॉट से बने हुए, मतलब छू के ऐसे सांप जा रहा है ऐसे ऐसे। तो ऐसे इस तरीके से इनके लिए टीचिंग एड्स बना रखे हैं। आपको पता ना बिल्डिंग को भी एक एड बना दिया हर तरीके से दृष्टि, बड़े बड़े स्कूल्स में तो दीवार भी उनके अकॉर्डिंग डेकोरेट होती है कई जगह। तो मतलब ये सब चीज़ें होती हैं इनको पढ़ाने के लिए, तो ये बच्चे काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर डिसेबल्ड बच्चे की बजाय डिसेबल जो बच्चे होते हैं, डिसेबिलिटीज से ग्रसित होते हैं, ये एग्जाम में बहुत होते हैं। तो डिसेबिलिटी एग्जाम में कन्फर्म है, कन्फर्म 120% आएगी आएगी। इसमें आप बहुत ज़्यादा मत रखो, एक तो आपको ये ध्यान होनी चाहिए डिसलेक्सिया, जो डिसलेक्सिया होती है, डिसलेक्सिया कैसी होती है, पढ़ने से संबंधित होती है, मतलब इट्स अ रीडिंग डिसेबिलिटी, या इसको कई बार रीडिंग डिसेबिलिटी ऑप्शन में नहीं आता तो लर्नर्निंग डिसेबिलिटी भी कह देते हैं, मतलब अधिगम निर्योग्यता भी इसको कह देते हैं, ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटी या अधिगम निर्योग्यता भी इसको कह देते हैं, मतलब ठीक है। तो डिसेबल्ड जो बच्चे होते हैं उसमें एक तो डिसलेक्सिया बहुत इंपॉर्टेंटली पूछी जाती है। डिसलेक्सिया क्या होती है, जो पढ़ने से संबंधित होती है, मतलब जो रीडिंग डिसेबिलिटी होती है उसको हम डिसलेक्सिया कहते हैं। जैसे कि छे को नो पढ़ता है, नो को छे को नो पढ़ता है, एम को डब्लू पढ़ता है, तो इस टाइप की होती है डिसलेक्सिया। फिर एक होती है डिसग्राफिया। अब ऐसे याद कर लेंगे, ग्राफिया, ग्राफ, ग्राफ होता लिखने का, तो ये क्या होती है, लिखने से रिलेटेड, जो लिखने से संबंधित होती है वो कौन सी होती है गाइस, डिसग्राफिया होती है, जिसको आप लिखते हो तो लिखने से जो संबंधित होती है वो कौन सी होती है भाई, डिसग्राफिया जो है डिसेबिलिटी होती है, किससे रिलेटेड होती है, लिखने से संबंधित होती है, ठीक है। कई बार ऑप्शन में लिखने नहीं मिलता तो रेखा चित्रकला लिखा मिल जाता है, बट आपको लिखना ऑप्शन हो तो आप लिखना ही टिक करोगे, लिखना ऑप्शन में ना हो तो आप चित्रकला के साथ जा सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत ज़्यादा पूछी जाती है डिसअफेजिया डिसेबिलिटी, डिसअफेजिया, जब सारी डिसेबिलिटी एक साथ हो जाए, मतलब उसको पढ़ना भी नहीं आ रहा, उसको लिखना भी नहीं आ रहा, उसको चलना भी नहीं आ रहा, जब आपको एक लंबी सी स्टेटमेंट लिखे उसको चलना फिरना लिखना पढ़ना कुछ भी नहीं आ रहा, तो वो कौन सी डिसेबिलिटी से ग्रसित है गाइस, डिसअफेजिया, ठीक है। जब लिखना पढ़ना चलना सारी कन्फ्यूजन एक साथ है तो वो डिसेबिलिटी कौन सी हो जाती है, डिसअफेजिया हो जाएगी वो डिसेबिलिटी। एक होती है डिसप्रेक्सिया। डिसप्रेक्सिया क्या होती है, डिसप्रेक्सिया होती है चलने से रिलेटेड, चलने से रिलेटेड भी आप इसको कह सकते हो, या साथ साथ इसको क्या बोलते हैं, जैसे कि कोई जंबलिंग टाइप का विकार होता है ना, एक बच्चा स्किप करता है चीज़ों को, कहता है ना चलना मतलब उछलना, आप शब्दों को जंप कर जाते हो, शब्दों को समझ नहीं पाते, मतलब लाइन पढ़ते पढ़ते 8-10 शब्द छोड़ के चले गए, तो ये जंबलिंग जो विकार होता है इसको जंबलिंग ऑप्शन में नहीं मिलता, तो कई बार इसको भी डिसप्रेक्सिया जो है कर देते हैं। एक होती है डिस्थीमिया। डिस्थीमिया वाले बच्चे कौन से होते हैं, जिनमें कमी होती है खून की, तो अनीमिया से रिलेट करेंगे, डिस्थीमिया अनीमिया, अनीमिया तो जो खून की कमी टाइप में होती है। एक डिसकैलकुलेलिया होती है, जो कैलकुलेशन से रिलेटेड होती है, जो मैथमेटिकल होती है, ठीक है। तो इस टाइप के बच्चे भी इसके अंदर आ जाते हैं। तो मैंने डिसेबिलिटी के लिए भी एक स्पेशल वीडियो बना रखी है, आप डिसेबिलिटीज बाय निशा मैम लिख के देख सकते हो। देखो इस चैप्टर में ना 3-4 चैप्टर इंक्लूडेड हैं जिनको मैंने अलग अलग करके पहले बना रखा है, अब मैं आपको ऑल ओवर व्यू देती हूँ, साथ में वो जो अलग अलग करके बने हुए चैप्टर वो देख लेना। इसी में एक आता है ये राइट ऑफ डिसेबिलिटीज जो एक्ट है, जो जिसके अंदर जो डिसेबिलिटीज की बात की गई थी, और ये इसके ऊपर राइट टू डिसेबल डिसेबिलिटीज के ऊपर मैंने एक पर्टिकुलर स्पेशल पूरी की पूरी वीडियो बना रखी है बच्चे, जिसके अंदर राइट ऑफ डिसेबिलिटीज एक्ट के बारे में पूरा
पूरा डिटेल 2006 वाला उसका रिव्यू सारा पूरा डिटेल वर्णन मैंने दे रखा है कौन कौन सी 17 डिसेबिलिटीज हैं। तो राइट टू डिसेबिलिटीज एक्ट आप जरूर देखना, पेपर में 100% आता है तो उसको आप बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, इसी चैप्टर का पार्ट है। तो मींस कहने का मतलब क्या है, ये मैंने ओवरव्यू दिया है, आपको लगता है इंक्लूसिव एजुकेशन नहीं करवा रखा तो चार चैप्टर से ये बनके बना। चैप्टर वन इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो मैंने करवा रखा उसको देख लेना, चैप्टर टू डिसेबिलिटीज जो मैंने करवा रखा उसको देख लेना, चैप्टर थ्री ये जो डिसेबल्ड बच्चों वाला है जो ये हैं डिसेबिलिटीज हैं आपकी जो है सारी, उसके ऊपर जो डिसेबिलिटी एक्ट है RPWD एक्ट, तो उसके राइट ऑफ डिसेबल्ड वर्किंग जो पर्सन है, तो ये वाला कंटेंट आप देख लेना, साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट में सब मिल जाएंगे। तो मीन्स आई होप आप समझ गए होंगे इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, ऑल अराउंड शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना, इसके अंदर अलगाव नहीं होता, ध्यान रखना इसके अंदर किसी भी टाइप का अलगाव नहीं देखने को मिलता, मतलब अलग नहीं किया जा सकता बच्चों को, बच्चों को हमेशा इंटीग्रेट रखा जाता है, एक रखा जाता है, उनकी नीड्स के हिसाब से समझाया जाता है, बिल्डिंग को भी उनके अकॉर्डिंग बनाया जाता है। तो ये सभी बातें होती है इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर, ठीक है ना, बाकी बहुत ज़्यादा इसमें कुछ कन्फ्यूजिंग नहीं होता। ऑटिस्टिक चाइल्ड वो होते हैं जो सोसाइटी में मतलब अपने आप को कंफर्ट नहीं फील करते, तो ये सारे बच्चे एक साथ स्कूल में पढ़ते हैं, तो इट्स कॉल्ड इंक्लूसिव एजुकेशन। होप सो यू लाइक दिस लेक्चर, इफ यू लाइक देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर, बट इससे रिलेटेड तीन चैप्टर्स को आप जरूर देखें, इन सभी चैप्टर, क्योंकि मुझे लगा यार बार बार चीजों को करवाने का मुझे लगता है बेकार टाइम वेस्ट। एक चीज जो प्लेलिस्ट में है तो आप उसी को देख लो ना, क्या उसको बार बार करवाना। तो ये चैप्टर इन सबसे मिलकर बना है, मैं ओवरव्यू देने के लिए वीडियो बनाई है। सो बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।